हेलो स्टूडेंट्स, एनडीए 2018 पेपर टू आज मेरे पास अभी आया है, बिल्कुल अभी आया है। मैंने इस पेपर को अभी कम्प्लीटली देखा भी नहीं है, जस्ट स्कैनिंग ही करी है। पेपर देख के समझ में आ रहा है पेपर टफ नहीं है, पेपर काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कि आप टाइम लगा सकते हैं, अगर उन क्वेश्चन को आपने पहले अटैम्प्ट किया तो हो सकता है आपका अटैम्प्ट कम हो, अदरवाइज इसमें अगर आपने सिंपल टू टफ ऑर्डर में किया तो इजीली 60, 70, 80 तक पहुंच सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये कि जो चीज़ें फाउंडेशन में कवर की थी बिल्कुल पेपर वही है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाया गया और इस पेपर में आया ना हो। सारी चीज़ें पढ़ाई हुई आई हुई हैं, सिंपल तरीके से क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व करना चाहिए। मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा और देखिए इस सॉल्यूशन के दो पर्पस हैं। नंबर वन कि पेपर को किस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना चाहिए, एक तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, जीएटी भी आप अच्छा करोगे, उसके बाद भी एसएसबी में सिलेक्ट होने के बाद भी एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर अटेम्प्ट के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस पेपर के सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। अभी मैं इस पेपर को बिल्कुल सिंपल टू टफ ऑर्डर में आपके साथ सॉल्व करूंगा, आप समझ जाएंगे। हो सकता है अगर आपने यही ऑर्डर लिया हो तो आपके अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए जहां पर कि आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा या जो टाइम कंज्यूमिंग है तो आपके अटेम्प्ट कम हो सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को किस ढंग से करना चाहिए वो समझ लीजिए। If an infinite GP has the first term x, infinite GP का first term है x, the sum और sum दिया है, मैं धीरे धीरे ही करूंगा, sum दिया है 5, then which one of the following is correct? मतलब आपको बताना है इसमें कौन सा option correct है। इसमें आप बहुत easily option की भी help ले सकते हैं, method से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि इनफाइनाइट जीपी के समीशन की जब भी बात आए तो आर जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है, यानी आर की वैल्यू <1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अगर हम समझे तो एस इन्फिनिटी होता है a/(1-r), दिस इज 5 इक्वल टू x/(1-r), राइट, 5 इक्वल टू x/(1-r)। अब आपको एक तरह से x की वैल्यू बतानी है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5-5r इक्वल टू x या 5r इक्वल टू 5-x, यस और नो, इसको उधर लेगा, यानी r इक्वल टू, आप सोचिए क्या, 5-x/5। अब आप इसमें चाहें तो ऑप्शन रख के बहुत इजीली कर सकते हैं, मेथड से बुझाएगा, या तो इसको कंपेयर करें -1 से +1 के बीच में, राइट, -1 से +1 के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि जैसे अब यहाँ पर r ग्रेटर देन 10 है, ये होने के कोई चांस नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 10, जैसे आपने 20 रखा ये 1 से बड़ा हो गया, ये आंसर रिजेक्ट। लेस देन -10 भी मत लीजिए, इसमें भी लिमिट नहीं होगी। पर अगर मैं एक तरह से सोचूं कि मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला आंसर कंसिडर करूं -10 से 0 के बीच में, तो -10 से 0 के बीच में कोई भी नंबर एक आप हमेशा याद रखिए, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। जैसे -8 रखा तो 5+8/5 यानी हो गया 13/5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, अब बचा क्या, दिस इज द राइट आंसर, राइट। आप इसको क्रॉस, इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते थे इन इक्वेशन से, पर उसकी जगह कैसे, देखिए आपने 10 रखा बड़ी से बड़ी वैल्यू, अगर 10 ठीक रखते तो 5/5 1 मिलता, पर 10 से छोटी वैल्यू रखना, आप 0 रखेंगे 1 मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 रखा तो 5-2 3/5 मिलेगा, आपने मान लीजिए 8 रखा कोई दिक्कत नहीं है, 5-8-3/5, यानी हम 0 से 10 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए मैं करने को बिल्कुल ऑर्डर से कर सकता हूं, पर मेरा ऑर्डर से करने का एक ही पर्पस है, नहीं है जो, वो ये कि आपको भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट पर पेपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे कि हम पहले एक घंटे में इजीली 70 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सही हुआ। जैसे अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, a into a' इक्वल टू a into a' = i, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, राइट। अब आप ये देखिए यहां पर ध्यान से a into a' = i, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑप्शन बी पर जाऊं तो बी ऑप्शन है a' = a inverse, ए इनवर्स इधर आया तो a into a inverse = अपने आप क्या हो गया i, तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द सम ऑफ द सीरीज 3-1+1/3-1/9+ so on, राइट, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अभी आपने क्वेश्चन किया है, इनफाइनाइट सीरीज का समेशन कुछ नहीं लिखा तो a/(1-r), दिस इज a/(1-1/3), तो 1/3 माइनस का हो गया, राइट, तो ये हो जाएगा 9/4, तो 9/4 इज अ
राइट आंसर याद रखिएगा, मैं आपको आंसर बोलता चलूंगा क्योंकि हर सेट में आंसर भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 9/4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, मिडिल टर्म बोला है 2+3x^4, यानी नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे, तो थर्ड टर्म इज मिडिल टर्म, उसका कोफिशिएंट बोला है, यानी सिंपल 4c2, तो 2 का स्क्वायर इनटू 3 की पावर भी 2, 40c2 इज 6 इनटू 4 इनटू 9, राइट। ये हो गया, देखिए कितना हो गया, 36 इनटू 6, यानी 216 इज अ राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो क्वेश्चन पहले ढूंढने जिनको आप देख के, यानी मैंने आपसे अगर याद हो ऑल द बेस्ट मैसेज में बोला था कि पेपर स्कैनिंग करते जाओ, जो क्वेश्चन एक एक स्टेप में हो रहे हैं पहले उन्हें सॉल्व करें, फिर सेकंड स्टेप में उन्हीं के समय हमने टिक कर लिया कि अब मुझे पता है कि अगली बार में मैं कौन से क्वेश्चन करूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसमें यह बोला है एक्स वाई थ्री, एक्स स्क्वेयर 5y² 9, एक्स क्यूब 10y^5 27। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं ए x-3, बी x-y, सी y-3 और डी है x-3y। अगर आप ध्यान दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट कंटेन, कौन सा फैक्टर एक्सपांड करेगा, यानी हमें बताना है कि इसमें से क्या क्या हो सकता है। तो आपको यह दिख रहा है कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम चाहें तो y कॉमन ले सकते हैं, राइट। में अगर हम देखें तो ये वाला एक ऐसा फैक्टर है, देखिए जैसे अगर मैं इसमें से s को ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, x-3 x²-9 x³-27, राइट। ये x-3 इसको लिख सकते हो, x-3 x+3 इसको लिख सकते हो, x-3 इनटू x²+3x+9, यस और नो। तो x-3 सभी में से कॉमन, यानी एक फैक्टर हम श्योरली बोल सकते हैं कि x-3 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट कंटेन, तो x-3 तो कंटेन करेगा, और आपको पता है सिंगल करेक्ट आंसर है, तो आप इजीली आंसर दे सकते थे, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या दिया है, cos-θ, यानी cos-θ यहां पे माइनस दिया, ध्यान रखिएगा यहां -sin-θ दिया, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों को ये स्टेप्स को बचाना, अगर मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन केवल आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि आपके पास सेट ABCD कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ये cos थीटा, sin थीटा, ये भी sin थीटा है और ये cos थीटा है, आपको इसका एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया, अगर ये a है तो इसका एडजॉइंट a क्या होगा, ये सब हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ, ये इंटरचेंज होंगे, तो cos थीटा और इनके केवल साइन चेंज होते हैं केवल, तो करेक्ट आंसर इज a इज अ राइट आंसर। यानी देखिए पहले आपको ये कहलाता है स्कैनिंग, यानी पहले राउंड में मैं जो आपको पेपर करवा रहा हूँ वो केवल स्कैनिंग वाला राउंड करवा रहा हूँ, दूसरे राउंड में फिर 2 और 3 स्टेप वाले क्वेश्चन करेंगे, थर्ड राउंड में उससे हायर लेवल के, और सबसे आखिरी में अगर कोई क्वेश्चन लंबा है तो वो करेंगे, और उस ऑर्डर में इसलिए करना है क्योंकि हमारे अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को आप impetusgurukul.com की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो अच्छे से, आगे क्या करना है वो सब बताता हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देख के समझ में आ रहा है, ये ओमेगा का क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल कभी भी हो तो हमेशा 1 मिलता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 2, देख के बता सकते हैं। बाकी अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यही स्कैनिंग राउंड होता है, यही सब चीजें हम लोग क्लास में डेवलप करते हैं या कोर्स में डेवलप करते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को देख के आंसर दे पाए इजीली बहुत कम समय में। देखिए आपको पता है ये ओमेगा है तो ओमेगा की पावर 3n, ये ओमेगा स्क्वायर है इसकी भी पावर 3n, पर 3n के मल्टीपल पे हमेशा 1 ही मिलता है, तो करेक्ट आंसर विल बी 2, राइट। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन लॉग का दिया हुआ, लॉग बेस 9 27 प्लस लॉग बेस 8 32। लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, लॉग का अगर बेस में भी पावर हो तो अपॉन में आता है n/p लॉग बेस an, यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखिए समझिए, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्लस लॉग 2 का क्यूब 2 की पावर 5, एक तरह से ये हो गया 3/2 प्लस ये हो गया 5/3, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, तो ये हो जाएगा 9+10 यानी 19/6 इज अ राइट आंसर। अब यहां पे क्या लगा, पहले ये देखिए मैंने स्टेप्स बचाई हुई है वो आपको ही बचाना है, 3 आ गया या पावर लॉग का बेस अपॉन में आया, लॉग बेस 3 ये 1 हो जाएगा अगले स्टेप में, 5/3 मैंने आपको पढ़ाते समय आपसे बोला हुआ था कि छोटी छोटी चीजें एक एक स्टेप
एक सिंगल स्टेप करीब करीब 10 सेकंड सेव करती है, अगर 2-3 स्टेप भी सेव करते हैं हम 30-40 सेकंड सेव करते हैं, और वो सब टेक्निक्स हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाती है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे आप, राइट। ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/3, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, टेक्निक्स, ये सब डेवलप करनी है, जो आप बहुत अच्छे से मेरे साथ कर सकते हो, कि किस तरह से हम पेपर को हैंडल करें कि हम 70-80 कर पाएं, मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर करो कि आप अगले पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ GAT में भी उससे डबल स्कोर कर पाओ। नोट कर लीजिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखिए मैं अभी जो आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं ना, बिल्कुल वो जो देख के कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, लॉक के ऊपर था, अभी मैंने देखा, देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर, आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स आर कैन बॉल, हाउ मेनी वे कैन टीम ऑफ 11, तो 12 नॉन बॉलर हो गए, 11 की टीम बनानी, 11 प्लेयर भी सिलेक्टेड, हैज टू बी इंक्लूडेड 3 बॉलर, तो ठीक है आपको 3 बॉलर लेना है, तो 5c3, तो बचे हुए 8 आप ले लीजिए बेस्टमैन। तो इसको देखिए सॉल्व भी नहीं किया, ऐसे ही लिखा सीधा सीधा, इसको ऐसा भी लिखा जाता आपको भी पता, c5,3 एंड c12,8, तो करेक्ट आंसर हुआ डी, दिल्ली। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और है, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी का इनवर्स, हमने पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज, रिवर्सिबल ऑर्डर होता है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट, ए इज आर, इस पेपर के हिसाब से ए इज आर राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।